हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट बजट 5G मोबाइल अंडर 11,000। जहाँ पे आपको 11,000 के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 6,000 एमएच का लार्ज बैटरी मिलेगा, उसके साथ साथ 8GB रैम, 256GB रोम भी मिलेगा और भी काफी तगड़े तगड़े फीचर मिलने वाले सिर्फ 11,000 के अंदर। तो दोस्तों, डिवाइस कौन कौन सा है, अदर फीचर क्या क्या मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और आप अगर मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस आता है मोटोरोला की तरफ से, न्यूली लॉन्च डिवाइस मोटो G34, जो एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो क्या कुछ मिलता है इस डिवाइस में, एक एक करके डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो काफी प्यारा सा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिलेगा जो काफी प्रीमियम फील देगा इस डिवाइस को। वहीं पे बात करें फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले विथ 120Hz रिफ्रेश। हाँ दोस्तों, 10,000 के अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये डिवाइस काफी पावरफुल होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है। और मुझे इस डिवाइस की सबसे अच्छी बात लगी, इस डिवाइस में आपको 13 5G बैंड मिल जाएगा, जो इंडिया की सभी 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, वही पे बात करें रैम रोम की, आपको बेस वेरिएंट पे 4GB रैम, 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको स्टीरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया, जो भी इस डिवाइस को काफी यूनिक बनाता है इस प्राइस पॉइंट पे। वहीं पे बात करें कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहां पे आपको 2MP का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहां पे आपको 16MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। इस डिवाइस पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिल जाएगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों, इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 वर्जन पे रन होगा, जो भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, ये डिवाइस IP53 की रेटिंग के साथ आने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही देख सकते हो, फीचर आपको प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे अच्छे मिल जाता है। तो दोस्तों, ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो करंट टाइम में इसकी जो प्राइस वो 11,000 रहता है बेस ब्रांड का, और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस अंडर 10,000 आ जाता है। तो 10,000 में काफी अच्छा सा और शानदार सा डिवाइस है। तो आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों, ये डिवाइस है पोको की तरफ से, न्यूली लॉन्च पोको M6, जो एक 5G डिवाइस है। तो एक एक करके सभी डिटेल्स को जान लेते हैं। बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, जब आपको 600 नीट पिक ब्राइटनेस मिल जाएगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100+ चिपसेट, जो 6nm पे बेस है और ये 5G चिपसेट है। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे 4GB रैम, 128GB रोम मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होगा, उसके साथ साथ एक 0.08MP का एक कैमरा भी मिल जाएगा। तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 5MP का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W चार्जिंग। तो चार्जिंग भी ठीक ठाक सा है। और दोस्तों, इस मोबाइल की पर्सनल मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, इसकी कलर, यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा गैलेक्टिक ब्लैक और ओरियन ब्लू। मुझे जो ओरियन ब्लू वो काफी अच्छा लगा लुक वाइज। और दोस्तों, इस डिवाइस पे एंड्रॉइड 13 रन होगा, MIUI 14 चलेगा। तो दोस्तों, ये तो क्या इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस 10,500 है। और दोस्तों, यहाँ पे लॉन्च सेल पे आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस बोर्ड 9,500 हो चुका है। और इस प्राइस पॉइंट पे ये एक काफी अच्छा सा एक 5G डिवाइस है। तो आप अगर लेना चाहते हो 10,000 के अंदर एक 5G डिवाइस, तो इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे काफी सारे डिवाइस है, ये उनमें से काफी अच्छे फीचर आपको प्रोवाइड करता है। तो
तो दोस्तों ये डिवाइस है Redmi की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Redmi 13 से 5G, जहाँ पे आपको 10,000 के अंदर काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाता है। तो एक एक करके इसके सभी फीचर को जान लेते हैं क्या कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.74 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको मिलने वाला 90Hz के रिफ्रेश रेट विद 450 नीट पीक ब्राइटनेस। दोस्तों इस डिवाइस पे आपको काफी अच्छी कैमरा भी मिलने वाले, रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। और दोस्तों वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा सा एक प्रोसेसर है। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 5G सिम सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब इस डिवाइस पे आप दोनों ही 5G सिम यूज कर सकते हो। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, 128GB प्लस 4GB, 128GB प्लस 6GB और 256GB प्लस 8GB। उसके साथ साथ जो वर्चुअल रैम के सपोर्ट है वो भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप आपके रैम को मल्टीपल कर सकते हो। वहीं पे बात करें OS की, तो यहाँ पे आपको Android 13 और MIUI 14 रन होता हुआ मिलेगा। दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। और वहीं पे दोस्तों इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसके जो बेस वेरिएंट है 4GB प्लस 128GB, उसकी प्राइस 11,000 है। और यहाँ पे कोई भी सेल आता है तो 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम 10, तो इसकी प्राइस अंडर 10,000 तक आ जाता है। और नॉर्मल टाइप पे इसकी प्राइस 11,000 रहता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप जरूर ले सकते हो, काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ Redmi की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Redmi 12 5G, जो इंडियन मार्केट पे काफी पॉपुलर हुआ था जब ये लॉन्च हुआ था। दोस्तों बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है, जिसकी मदद से इमोबाइल काफी प्रीमियम इन हैंड फील देगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.79 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा विथ 550 नीट पीक ब्राइटनेस। वहीं पे बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 4Gen 2 5G चिपसेट, जो 4nm पे बेस है, जिसके एंटूथ स्कोर 4 लाख के आसपास है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस डिवाइस पे आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4GB रैम 128GB रोम मिलेगा बेस ब्रांड पे। बात करें कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों इस डिवाइस में आपको IP53 का रेटिंग मिल जाएगा, जिसकी मदद से ये डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ है। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 MIUI 14 पे रन होगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे 4GB प्लस 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 12,000 है। उसके साथ साथ जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 13,500 है। और जो 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 15,500 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। बात करें सेल की, तो अगर बड़ा सेल होता है तो जो Redmi 12 5G की बेस ब्रांड है उसकी प्राइस 10,000 के आसपास आ जाता है। नॉर्मल टाइम पे आपको 500 टू 1,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों ये डिवाइस है सैमसंग की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी F15 5G, जो एक बजट सेगमेंट की डिवाइस है। तो क्या कुछ फीचर मिलते हैं एक एक करके जान लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले लुक एंड डिजाइन की बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलेगा। रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। फ्रंट पे आपको यू नॉच मिलेगा। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी प्रीमियम है, कैमरा सेटअप की वजह से यहाँ पे आपको एक प्रीमियम फील देगा। वहीं पे डिवाइस के वेट की बात किया जाए, 217 ग्राम वेट है, तो थोड़ा सा हैवी है। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर इस डिवाइस के हाइलाइटेड फीचर है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले,
हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जा रहा है जो काफी अच्छी बात है और इंडिया पे एक फर्स्ट टाइम होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से डिवाइस की क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाला है 1080x2340 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों आप अगर कंटेंट कंज्यूम के लिए इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो आंख बंद करके इस डिवाइस के साथ जा सकते हो। उसकी बात करें इस डिवाइस के कैमरा की तो कैमरा सेक्शन भी काफी तगड़ी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जहाँ पे इस डिवाइस की जो मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का होने वाला है जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। तो दोस्तों अंडर 12,000 में आपको मैक्रो भी मिलते हैं और वाइड एंगल कैमरा भी मिलते हैं जो काफी अच्छी बात है। अदर्स कोई भी ब्रांड इतने सारे फीचर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा इस प्राइस पॉइंट पे, तो प्राइस के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। वहीं पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है। जैसे कि पता है कैमरा के लिए फेमस है सैमसंग के डिवाइस से, तो आप कैमरा सेंटिंग के लिए भी इस प्राइस पॉइंट पे इस डिवाइस को आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आप बात कर रहे थे इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है। तो दोस्तों ये डिवाइस 5G के साथ आने वाला है जो काफी अच्छी बात है। बात किया जाए इस डिवाइस के रैम रोम की तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा 4GB प्लस 128GB 6GB प्लस 128GB। सिर्फ दोस्तों यही नहीं, इस डिवाइस पे आपको और एक हाईलाइटेड फीचर मिलता है जहाँ पे आपको इस डिवाइस पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है। हाँ दोस्तों 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है जहाँ पे ये डिवाइस 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। एक बुरी बात है इस डिवाइस पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तो चार्जर को आपको सेपरेट से खरीदना पड़ेगा। वहीं पे बात करें इस डिवाइस के अदर फीचर की तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और One UI 6 पे रन होने वाले है। तो दोस्तों ये तो गए इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस ब्रांड है 4GB प्लस 128GB उसके करंट टाइम पे 13,000 प्राइस है, पर ज़्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस है वो अंडर 12,000 आ जाता है। वहीं पे जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसके करंट टाइम पे प्राइस 14,500। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाइक कर सकते हो, काफ़ी शानदार सा डिवाइस है।